दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। एबीपी न्यूज संवाददाता रवि कांत ने हमें वहां से रिपोर्ट भेजी है, वो देखिए। किसानों ने आज चक्का जाम का ऐलान किया है, हालांकि उत्तराखंड, यूपी और दिल्ली में ये चक्का जाम नहीं है, फिर भी गाजीपुर बॉर्डर का हम दृश्य आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर चौकसी बरती जा रही है और किस तरीके से पुलिस फोर्स तैनात की गई है, अलर्ट मुद्रा में है और इस तरीके के दृश्य देखने को आ रहे हैं जैसे कभी भी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जो दृश्य आप सामने देख रहे हैं पुलिस फोर्स मौजूद है, वो स्पेशल फोर्स जो दिल्ली पुलिस की है, जो किसी भी दंगे से निपटने के लिए तैयार होती है, वो यहाँ पर तैनात है और सारे पुलिसकर्मियों ने हेलमेट पहन रखी है, अपने इक्विपमेंट्स पहन रखे हैं, जिससे कि वो किसी भी तरीके से अगर कोई ऐसी नौबत आती है तो वो निपट सके। लेकिन खास तौर से हम आपको ये भी बता दें कि पुलिस ने आज यहाँ पर विशेष कैमरों की व्यवस्था की है। यहाँ पर हमें दो बड़े कैमरे दिखाई दे रहे हैं जिससे कि आसपास का जो नज़ारा है उसमें अगर किसी भी तरीके का नियंत्रण बिगड़ता है या किसान आते हैं, किसी भी तरीके का कोई उपद्रव होता है तो उस पर निगाह रखी जा सके। दो कैमरे पुलिस ने लगा रखे हैं, इस तरीके के कैमरे अमूमन देखने को नहीं मिलते हैं। 5 लेयर की यहां पर बैरिकेडिंग है, उसके बाद 2 कैमरे लगाए गए हैं और उसके बाद पुलिस फोर्स है, वज्र वाहन है, साथ ही साथ उसके आगे का जो हिस्सा है वहां पर बहुत सारी बसें खड़ी हैं, अफसरों की गाड़ियां खड़ी हैं और रास्ते को एक कंटेनर लगा करके, एक ट्रक के ऊपर कंटेनर रख करके उसको बंद किया गया है ताकि किसी भी तरीके से उसको हटाया ना जा सके। तो किसानों का जो पिछली बार प्रदर्शन देखा गया था जिसमें वो जेसीबी मशीनों से बैरिकेडिंग को हटा रहे थे, तो इस बार ऐसी व्यवस्था की गई है कि किसान किसी भी तरीके से आगे ना बढ़ सके। लेकिन आज जो चौकसी देखने को मिल रही है वो सिर्फ गणतंत्र दिवस के दिन जिस तरीके से एक अविश्वास का माहौल बना था किसानों और पुलिस के बीच में, उसको ध्यान में रखते हुए है। हालांकि जो ऐलान हुआ है किसानों की ओर से उसमें यहां पर किसी भी तरीके का कोई प्रदर्शन नहीं होना है। कैमरामैन मनोज के साथ रवि कांत, एबीपी न्यूज, दिल्ली। तो हमने आपको ये रिपोर्ट गाजीपुर बॉर्डर से दिखाई, आपने देखा कि किस तरीके से इस बार पुलिस के द्वारा पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि जो धोखा 26 जनवरी के दिन हुआ था उसके लिए अब दिल्ली पुलिस बिल्कुल तैयार नहीं है। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर किसान पैदल मार्च कर रहे हैं। एबीपी न्यूज संवाददाता गगनदीप सिंह ने हमें रिपोर्ट भेजी है, वो भी आप देखिए। खेती कानूनों के खिलाफ सिंघू बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसान आज पूरे देश में चक्का जाम का जो ऐलान कर चुके हैं। सिंघू बॉर्डर के ऊपर लगातार पिछले 70 से अधिक दिनों से प्रदर्शन चल रहे, तो सिंघू बॉर्डर पर क्या हालात हैं ये जानने के लिए और किस तरह का प्रदर्शन जहाँ पे होगा, किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के जो नेता हैं, महासचिव हैं, जहाँ पर लगातार जो अपनी मार्च निकाल रहे हैं, तो उनसे बात करते हैं। सबसे पहले सुखविंदर सिंह सबरा हमारे साथ हैं। सबरा साहब, आज आपका क्या प्रोग्राम रहेगा जहाँ पे? आज जो संयुक्त मोर्चे की तरफ से कॉल आई है उस काल को लागू करते हुए हम पूरे देश में चक्का जाम कर रहे हैं। यहाँ नरेला, सिंघू, गाजीपुर तो वैसे ही जाम है, यहाँ हम लगातार सुबह से प्रदर्शन कर रहे हैं। बैरिकेडों के पास जाकर भी नारेबाजी करेंगे, क्योंकि जो 3 कृषि कानून हैं उनको सरकार पहले बढ़िया बता रही थी, फिर जब 1 दिसंबर को मीटिंग हुई उसमें कमियाँ नजर आई। आज तोमर जी का बहुत ही निखेधे बयान आया है, उन्होंने फिर से कहा है कि आंदोलन अकेले पंजाब का है। हम कहना चाहते हैं अकेले पंजाब का आंदोलन नहीं है, ये पूरे देश के किसान, मजदूर, बुद्धिजीवी वर्ग और उत्पादनकर्ता के साथ उपभोक्ता का भी कानून है। पूरे देश का किसान एक साथ है और पूरा देश आज बता देगा कि भारत बंद आज पूरी तरह से होगा, पूरी तरह से चक्का जाम होगा और आंदोलन का रुख और तीखा होगा। साहब, आपके पास जो जिस तरह की बैरिकेडिंग की गई है, आपका कोई प्रोग्राम तो नहीं सड़क पे जाके प्रदर्शन करने का? देखिए जी, यहाँ तो पहले ही सड़क जाम हुई है, सरकार के खुद के बैरिकेड लगे हुए हैं, उन्होंने खुद चढ़ के सड़कें जाम कर रखी है पिछले 74 दिन से। यहाँ जाम क्या होगा, जाम तो होगा पूरे देश में, क्योंकि जागृति देश में लानी है, दिल्ली को ये बताना है दिल्ली का देश नहीं है, देश की दिल्ली है। इसलिए हम कहना चाहते हैं जितनी मर्जी बैरिकेड लगा लेंगे, हम बैरिकेडों के पास जाकर मार्च पास करते हुए नारेबाजी करेंगे।
तरफ तो नहीं बढ़ोगे? नहीं, दिल्ली दिल्ली की तरफ अभी बढ़ने का कोई प्लान नहीं। अगर संयुक्त मोर्चा जैसे कोई कहाल आती है अगले दिनों में तो दिल्ली की तरफ आंदोलन जाएगा। 3 घंटे पूरा भारत बंद होगा, इसलिए यहाँ से संदेश जा रहा है पूरे बॉर्डरों से, पूरा भारतवर्ष एक साथ है और ये आंदोलन हर हालत में पूरा होगा। तो सिंघू बॉर्डर से आपने ये रिपोर्ट देखी, किसानों के नेताओं का यही कहना है कि पूरे देश में आज चक्का जाम होगा 3 घंटे के लिए, 12 बजे से लेकर 3 बजे तक। और हम आपको बता दें कि किसानों के चक्का जाम को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। दिल्ली के शहीदी पार्क में बैरिकेडिंग से लेकर वज्र वाहन तक तैनात किया गया है। एबीपी न्यूज संवाददाता अंजलि सिंह ने हमें वहां से एक रिपोर्ट भेजी है, वो आपको दिखा देते हैं। किसानों के देशव्यापी चक्का जाम के आह्वान के चलते दिल्ली में आज जगह जगह सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रखी गई है और मेरे आसपास ये बैरिकेडिंग्स का जो आप घेरा देख रहे हैं, दरअसल ये आईटीओ इलाके में स्थित शहीदी पार्क के पास की तस्वीरें हैं, जहां पर पूरे रास्ते को बैरिकेड कर दिया गया है और खास सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। देखिए वो ट्रक में आप देखेंगे, ये जो ट्रक यहाँ पर खड़ा है इसमें भी लाठी डंडे आपको दिखाई दे जाएंगे। दरअसल ये इंतजाम यहाँ पर इसलिए किया गया है क्योंकि लेफ्ट के कुछ संगठनों ने यहाँ पर किसानों के समर्थन में प्रोटेस्ट आयोजित करने का कॉल किया है और यहाँ पर ये तैयारियाँ आप देख रहे हैं सुरक्षा के लिहाज से जो की गई हैं, ना सिर्फ सुरक्षा और दंगों से निपटने का यहाँ पर सारा सामान इकट्ठा किया जा रहा है। पीछे आप देखेंगे कि वहाँ पर वज्र वाहन भी खड़े हैं, वाटर कैनन्स भी खड़ी हैं और इस पूरे रास्ते पर आगे बैरिकेडिंग की गई है ताकि कोई इस तरफ आगे ना बढ़ सके। 12 से 3 बजे का जो समय है ये वही समय है जब किसानों ने चक्का जाम करने का आह्वान किया है और उसी समय पर ये शहीदी पार्क में भी यहाँ पर प्रोटेस्ट आयोजित करने के लिए कुछ संगठनों ने कॉल किया था। और अभी आपको अंदर की तस्वीरें दिखाएं, यहाँ पर रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती भी की गई है, किसी भी तरह की प्रतिकूल परिस्थिति होती है तो उससे निपटने के लिए। और ये शहीदी पार्क के अंदर की तस्वीर आपको दिखाते हैं जहाँ पर चप्पे चप्पे पर इस समय सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं, तो जहाँ भी आप नज़र घुमाएंगे वहाँ दूर दूर तक आपको सुरक्षाकर्मी ही नज़र आएंगे। ये पार्क के अंदर की तस्वीरें हैं और दरअसल ये आईटीओ का वही इलाका है जहाँ 26 जनवरी को हिंसा हुई थी। तो ये देखिए आप पूरे कैमरे की को घुमाकर ये तस्वीरें आपको दिखाते हैं कि कैसे हर जगह पर रैपिड एक्शन फोर्स के जवान जो हैं वो तैनात हैं, दिल्ली पुलिस के जवान यहाँ पर तैनात हैं, महिला पुलिस भी यहाँ पर तैनात की गई है और आगे तक जितना आगे तक आप बढ़ेंगे उतने ही ज़्यादा सुरक्षाकर्मी आपको इस पार्क के चप्पे चप्पे पर दिख जाएंगे। रिलीज जारी करके कहा गया है कि ये पीसफुल प्रोटेस्ट होने वाला है और तमाम लोगों को किसानों के समर्थन में, किसानों की मांगों के समर्थन में यहाँ पर जुटने के लिए कॉल किया गया है। लेकिन 26 जनवरी जैसी तस्वीर दोबारा देखने को ना मिले इसके चलते सुरक्षा बल की तैनाती काफ़ी तादाद में यहाँ पर कर दी गई है और कोई भी अप्रिय घटना ना घटे इसका पूरा इंतज़ाम किया गया है। और ये आप देखेंगे शहीदी पार्क को किस तरह से सुरक्षा दस्तों के साथ, सुरक्षा बलों के साथ फिलहाल पूरी तरह से कवर कर दिया गया है। और पुलिस की मंशा या प्रशासन की मंशा फिलहाल यही लगती है कि यहाँ पर किसी भी तरह का प्रोटेस्ट जो है वो आयोजित करने की इजाज़त ना दी जाए। कैमरा पर्सन हेमंत के साथ अंजलि सिंह, एबीपी न्यूज़ दिल्ली। और हम आपको बता दें कि शहीदी पार्क में लेफ्ट संगठनों ने प्रदर्शन का ऐलान किया है। पुलिस का कहना है कि यहां आंदोलन की इजाजत नहीं है। जॉइंट कमिश्नर नरेंद्र सिंह बुंदेला से बात की हमारी सहयोगी अंजलि सिंह ने। दिल्ली पुलिस ने यह साफ कर दिया है कि शहीदी पार्क पर किसी भी तरीके के आंदोलन की इजाजत लेफ्ट पार्टियों को नहीं दी जा सकती। सुनिए क्या आईटीओ के शहीदी पार्क पर आज काफी संख्या में सुरक्षा बल की तैनाती की गई है। जॉइंट सीपी नरेंद्र सिंह बुंदेला हमारे साथ है। सर, यहाँ पर काफी संख्या में फोर्स तैनात की गई है, किसी तरह के प्रोटेस्ट की कॉल यहाँ पर दी गई है? जी, हमको सूचना थी कि यहाँ कुछ ऑर्गेनाइजेशंस प्रोटेस्ट कर सकती हैं और चक्का जाम का भी कॉल किया हुआ है जैसे कई जगह पर, तो उसी को अंदेशा में रखते हुए हमने एहतियात के तौर पे यहाँ पुलिस बल लगाया हुआ ताकि इस तरह के प्रोटेस्ट को हम यहाँ नहीं होने दें और कोई चक्का जाम, ट्रैफिक ब्लॉकेज की बात ना आए। सर, कुछ लेफ्ट संगठनों की ओर से ये मैसेज सर्कुलेट किया गया कि यहाँ पर इकट्ठा होना है 12 से 3 बजे के बीच में, क्या इस तरह के किसी प्रोटेस्ट की इजाज़त मांगने के लिए आप लोग के पास कोई लेटर आया था, आप लोगों ने परमिशन दी है? जिस ऑर्गेनाइजेशन का हमको इन्फॉर्मेशन मिला हमने उनको लिखित में बता दिया कि इस तरह का प्रोटेस्ट की उनको यहाँ पर अनुमति नहीं है और अगर वो इसके बावजूद भी आते हैं तो वो इलीगल है और हम इनको यहाँ प्रोटेस्ट की इजाज़त भी नहीं देते और ना करने देंगे और ना ही कोई ट्रैफिक ब्लॉक करने की यहाँ पर हम उनको कोशिश करने देंगे। किसानों ने हालांकि कहा है कि दिल्ली के अंदर चक्का जाम नहीं किया जाएगा, लेकिन उसके बावजूद काफ़ी संख्या में फोर्स जगह जगह पर तैनात की गई है, क्या 26 जनवरी की घटना को देखते हुए एहतियातन? जी, क्योंकि भीड़ इकट्ठी होती है और फिर अगर लोग प्रोटेस्ट जाम करते हैं जो कि अलाउड नहीं है तो हमको
ट्रैफिक जाम को रोकने के लिए हमने सभी जगह डिप्लॉयमेंट किया हुआ है। और हम आपको बता दें कि जिस तरीके से आज किसान संगठनों के द्वारा चक्का जाम का आह्वान किया गया है, एबीपी न्यूज ने बड़ी तैयारी की है। तमाम बॉर्डर्स पर हमारे रिपोर्टर्स मौजूद हैं। सिंघू बॉर्डर से वरुण जैन हमारे साथ जुड़ेंगे, गाजीपुर बॉर्डर से रविकांत, शहीदी पार्क से अंजलि सिंह। वरुण का मैं सबसे पहले रुख करूंगी। वरुण, 26 जनवरी की हिंसा देश भूला नहीं है, ऐसे में इस बार दिल्ली पुलिस ने पुख्ता इंतजाम किए हैं ताकि कानून व्यवस्था कोई भी हाथ में न ले पाए, क्या इंतजाम सिंघू बॉर्डर पर? देखिए बिल्कुल शोभना, जिस तरीके से 26 जनवरी को घटना देखने को सामने आई थी, एक अविश्वास की भावना है। यही वजह है कि पुलिस ने पूरी दिल्ली को किले में तब्दील किया हुआ है। सिंघू बॉर्डर पर मैं मौजूद हूँ। तस्वीरें ये बयां करती है कि जो प्रोटेस्ट स्थल है वहाँ से करीब 2 किलोमीटर पहले ही इस तरीके से ये बैरिकेडिंग कर दी है, यानी यहाँ से अब आगे किसी को गाड़ी ले जाने की इजाजत ही नहीं है। जो आसपास के लोग भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं कि अगर वो आसपास के गाँव के रहने वाले हैं, पुलिस उन्हीं को देखिए वापस लौटा दे रही है। तो किस तरीके से जो इंतजाम है सिंघू बॉर्डर पर किए गए हैं, प्रोटेस्ट स्थल तक तो जाने की इजाजत किसी को दी ही नहीं गई है। कहीं ना कहीं कोई कोताही नहीं बरतना चाहते। जिस तरीके से अविश्वास पहले हुआ था, जो तस्वीरें आई थी, पुलिस नहीं चाहती वो एक बार फिर से सामने आए। जी बिल्कुल, तमाम आला अधिकारियों की गाड़ियां भी इस समय हमें वरुण के पीछे से जाती हुई दिखाई दे रही है। दिल्ली पुलिस पूरी तरीके से सतर्कता मोड में नजर आ रही है। जम्मू का मैं रुख कर लेती हूँ। अजय बाचलू हमारे सहयोगी वहां से जुड़ रहे हैं। अजय, जम्मू में क्या स्थिति है इस चक्का जाम को लेकर, क्या तस्वीर है? देखिए शोभना, मैं इस समय जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे पे हूँ। बड़ा हाईवे है और यहाँ पर किसानों ने किस तरह इस हाईवे को जाम कर रखा है, ये आप तस्वीरों में देख लीजिए। पूरे किसान जो है लगातार यहाँ पर पहुँच रहे हैं और लगातार जिस तरह से कृषि कानून है इनको वापस लेने की मांग कर रहे हैं। कुछ किसान इस तरफ लेटे भी हैं सड़कों पर, अगर आप शोभना देख पा रही हो तस्वीरों में। इसके साथ ही यहाँ अगर पुलिस बंदोबस्त की बात करूँ तो पुलिस बंदोबस्त यहाँ बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हाईवे पर लगातार किसानों का यहाँ पहुँचना बदस्तूर जारी है। कुछ किसान हमारे साथ हैं। आज पूरे भारत में जो है 3 घंटे का आह्वान है। आप कितनी देर यहाँ बैठेंगे और क्या मांग है? ये जो हमारे किसान नेतों ने एक बंद का आह्वान किया, हम उसी की वजह से उन नेशनल हाईवे बंद करने का जो हमारा प्रोग्राम है 12 से लेकर 3 बजे तक, हम 12 से लेकर 3 बजे तक बैठेंगे। मैं चौधरी मोहन सिंह आरसपुरा से आया हूँ। हम किसानों के समर्थन में हैं। हम पहले भी प्रोटेस्ट करे हैं बार बार, मगर ये मोदी सरकार गूंगी बहरी, ये किसानों की आवाज़ नहीं सुन रही। तकरीबन 100 के करीब किसान मारे जा चुके हैं, आज 72-75 दिन से वहाँ बैठे हैं। भाई इस सरकार के कानून तक झूठ ही रेंग रही। अगर आपने जो कानून बनाया है भाई, जो हमें पसंद नहीं, अब क्यों जबरदस्ती दे रहे हो? मैं किसान हूँ, जबरदस्ती क्यों दे रहे हैं? हमें ये कानून नहीं चाहिए। तो इस तरफ आप देख लीजिए, यहाँ पर जो है पुलिस भी लगातार, आला पुलिस के अधिकारी और लगातार पूरे हाईवे को इस तरफ से घेर लिया गया है और हाईवे पर पूरी आवाजाही ठप है, क्योंकि ये मुख्य हाईवे है शोभना, जो जम्मू को न केवल पठानकोट बल्कि अन्य राज्यों से जोड़ता है। तो इस यहाँ पर आवाजाही जो है पूरी तरह जाम कर दी गई है शोभना। बिल्कुल अजय बाचलू, आप देख, हमने आपको तस्वीरें दिखाई अजय बाचलू ने हमें, कि जम्मू पठानकोट जो हाईवे है उसको जाम कर दिया गया है। गाजीपुर बॉर्डर से रविकांत हमारे सहयोगी हमसे जुड़ रहे हैं। रविकांत, गाजीपुर बॉर्डर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बड़ी संख्या में किसान संगठन, किसान वहां पर मौजूद है, क्या स्थिति इस समय वहां पर? देखिए इस समय हम गाजीपुर का वो दृश्य दिखा रहे हैं जहां पर पुलिस बैरिकेडिंग है और भारी पुलिस फोर्स तैनात है। हालांकि आपको बता दें कि थोड़ी देर पहले ड्रोन से यहां पर नजारा लिया गया था पुलिस की ओर से, और जब ये पाया गया कि किसानों में कोई ऐसी हलचल नहीं है कि वो कहीं मूव कर रहे हों, वो एक जगह पर बने हुए हैं अपने धरना स्थल पर, उसके बाद से पुलिस थोड़ा सा रिलैक्स के दिख रही है, क्योंकि इससे पहले हेलमेट पहने हुए सैकड़ों पुलिसकर्मी एक साथ खड़े हुए थे, लेकिन अब वो सारे जो पुलिसकर्मी हैं उन्होंने अपनी हेलमेट उतार दी है और डिवाइडर पर इधर उधर बैठे हुए हैं। हालांकि भाली पुलिस फोर्स अभी भी मौजूद है। जी रविकांत, 26 जनवरी को जिस तरीके से किसान संगठनों के द्वारा वादा खिलाफी की गई थी और हिंसा भड़क गई थी, अब कहीं ना कहीं क्या इन किसान संगठनों को ये समझ में आ गया है कि चक्का जाम एक जगह बैठ के तो ठीक है, लेकिन अगर इन्होंने कहीं भी मूवमेंट किया तो ये जो भीड़ है ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और फिर कहीं ना कहीं इन किसान संगठनों के ऊपर ये आरोप लगने लगता है कि हिंसा भड़काई गई और ये बैकफुट पर चले जाते हैं, इसीलिए इस बार ये रणनीति किसानों की?
देखिए किसान लगातार एक के बाद एक नई नई रणनीति पर चल रहा है, क्योंकि किसान संगठन मिलजुल करके रोज बैठके करते हैं और उनको पता है कि अगर किसान आंदोलन को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाना है तो रोज नए प्रोग्राम के हिसाब से चलना पड़ेगा, नई रणनीति अपनानी पड़ेगी। न सिर्फ उस दिन जो कुछ भी हुआ उसको लेकर के किसान बेहद अलर्ट हैं, आगे इस तरीके का कोई भी हरकत न होने पाए, कम से कम उनके ऊपर आरोप ना आए, इसको लेकर के वो बहुत ज्यादा संवेदनशील हैं और अलर्ट भी हैं। लेकिन वो ये चाहते हैं कि ये आंदोलन किसी तरीके से आगे बढ़ता रहे, जिसमें ये नया कार्यक्रम चक्का जाम का दिया है और आगे भी कई कार्यक्रम वो करेंगे, ऐसा उन्होंने संकेत दिया है। बिल्कुल ठीक है रविकांत, आप बने रहिए और अंजलि भी हमारी सहयोगी शहीदी पार्क से हमारे साथ जुड़ेंगी। और हम आपको बता दें कि क्योंकि आज किसान संगठनों ने 12 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक चक्का जाम का आह्वान किया है, एबीपी न्यूज ने भी बड़ी तैयारी की है, देश भर से लगातार हम आप तक तस्वीरें पहुंचाते रहेंगे। कर दिया गया है किसानों के द्वारा मांग ये कि सरकार जो है वो किसान बिल वापस ले। ये चार तस्वीरें आपके सामने, हम आपको बता दें कि अमृतसर, जिंद, लुधियाना और शाहजहांपुर से ये तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। पूरे देश में आज किसान संगठनों के द्वारा चक्का जाम का आह्वान किया गया है, लेकिन शांतिपूर्ण चक्का जाम की बात भी लगातार किसानों के द्वारा की जा रही है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में ये कहा गया है किसान संगठनों के द्वारा कि दिल्ली बॉर्डर तो हमने ऑलरेडी बंद किए हुए हैं, तो यहाँ पर चक्का जाम नहीं, लेकिन बाकी पूरे देश में इस मूवमेंट को जिसे कहा जाए गति देने की दिशा में ये किसान संगठनों की रणनीति है कि पूरे देश में चक्का जाम का आह्वान किया गया है। अंजलि मेरी सहयोगी मुझसे जुड़ रही है शहीदी पार्क से। अंजलि, यहाँ शहीदी पार्क में लेफ्ट पार्टीज ने आह्वान किया था कि वो यहाँ पर धरना प्रदर्शन करेंगे, क्या स्थिति इस समय? जी देखिए शोभना, यहाँ पर फिलहाल 12 बजे का कॉल दिया गया था जो तमाम संगठन है उनकी ओर से, लेकिन अभी यहाँ पर आपको दिखाएं कि सुरक्षा व्यवस्था जो है वो बिल्कुल चाक चौबंद रखी गई है और यहाँ से किसी को भी आगे बढ़ने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि दिल्ली पुलिस की ओर से साफ कर दिया गया है कि यहाँ किसी तरह के प्रोटेस्ट की इजाज़त नहीं है। लेकिन एहतियातन यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्सेज, दिल्ली पुलिस के जवान, रैपिड एक्शन फोर्स सभी यहाँ पर तैनात कर दी गई हैं और सिर्फ बाहर ही नहीं बल्कि पार्क के अंदर भी जगह जगह पर इसी तरह से सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं। दरअसल जो लेफ्ट पार्टीज ने कॉल दिया है वो किसानों के समर्थन में, चक्का जाम के समर्थन में ये कॉल दिया गया था, लेकिन दिल्ली पुलिस का कहना है कि जब इजाजत मांगी गई थी तो पहले ही मना कर दिया गया था संगठनों को कि सुरक्षा के लिहाज से यहाँ पर किसी भी तरह के प्रोटेस्ट की इजाजत नहीं है, इसलिए यहाँ कोई। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।